सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जेरिको चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मोबाइल स्पेसिफिकेशन वीडियोस के लिए। हेलो मोटो, हेलो मोटो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ज़बरदस्त बैटरी वाले फ़ोन के बारे में, जिसे कहता है मोटोला मोटो E5 प्लस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो फ़ोन है ना, बैटरी में सबसे बेस्ट फ़ोन है, बेस्ट बैटरी बैकअप देने वाला फ़ोन है। आप अगर ले ले तो मुझे लगता है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो 2 दिन आप इसे यूज़ कर सकते हैं बिना चार्ज किए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बता दूँ, ये जो फ़ोन है अपना लॉन्च हो चुका है अप्रैल, ये कहा गया था कि अप्रैल के मंथ में लॉन्च होगा, बट मई में ये लॉन्च हुआ। और अगर बात करते हैं इसके वेट की, 196.6 ग्राम का है। इसमें 2 5000 mAh का बैटरी है, फिर भी इसका वज़न उतना ज़्यादा है नहीं। तो अगर बात करते हैं सिम कार्ड की, तो ड्यूअल सिम कार्ड आपको देखने के यहाँ मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और टाइप जो है इसका डिस्प्ले का, IPS LCD डिस्प्ले है। और स्क्रीन साइज ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, 6 inches का है, मतलब फिल्म देखना है या कोई भी वीडियो देखना है बड़े स्क्रीन पे बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। और रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं 18:9, मतलब न्यू एक्सपेक्ट रेशियो वाला ये फ़ोन है। आता है पिक्सल पर इंच 268 का, जो कि एक अच्छा पिक्सल पर इंच मुझे तो नहीं लगता फ्रेंड्स। अगर 320 तक किसी भी फ़ोन का पिक्सल पर इंच है तो उसमें आपको बेस्ट कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन ये मोटो का कैमरा है तो आप हम यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं सॉरी फ्रेंड्स, कि कैमरा अच्छा होगा इसका। और प्रोटेक्शन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लासेस में यहाँ पे गिवन है, किस वर्जन का है वो तो नहीं है, हो सकता है 2 या 3 होगा ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो एंड्रॉयड का 8.0 मिल जाता है आपको। और चिपसेट की बात करें तो उतना अच्छा यहाँ पर नहीं है फ्रेंड्स, स्नैपड्रैगन का 425, बाबा आदम जमाने के चिपसेट को यूज़ किया है इसने। और CPU की बात करें तो फ्रेंड आर्म कॉर्टेक्स A53 पर ही चलता है ये, जैसा कि मैंने कहा पुराने ज़माने का चिपसेट है। GPU आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिनो का 308 है। तो फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं ना कि इसमें गेम खेल लूँगा पूरा एकदम ज़बरदस्त, तो वैसा मत सोचिए, मोबाइल आपका गर्म हो जाएगा। वैसा इसे बनाया ही नहीं गया है, इसमें स्नैपड्रैगन का 425 चिपसेट लगा हुआ है। वैसे आप नॉर्मल गेम्स अगर खेलें तो ज़रूर खेल पाएंगे एकदम, अगर 1-2 GB के गेम खेलना चाहे तो लैग आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एसफेल्ट 9 हो गया, एसफेल्ट 8 हो गया, पबजी हो गया। फ्रेंड्स अगर लो सेटिंग्स पे खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आनी चाहिए, हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे तो ज़रूर लैग देखने को मिलेगा, फ़ोन भी हीट होगा। और मेमोरी कार्ड की बात करें फ्रेंड्स, एक्सपेंड कर सकते हैं आप इसको 256 GB तक। और इंटरनल आपको मिलता है 3 GB के साथ में 32 GB का, और 2 GB के साथ में 16 GB का। या 2018 में 32 और 16 GB पे ही मोटोला अभी तक चल रहा है, कब आओगे यार आगे, कब आओगे 64 GB पर, क्या करें फ्रेंड्स। और सिंगल कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 12 MP का F2.0 के अपर्चर के साथ, लेजर ऑटो फोकस यहाँ पे आपको मिल जाता है, PDF भी मिल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसके कैमरा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है एक कैमरा के बगल में एक सेंसर जैसा, तो जैसा कि अगर आपको लग रहा है कि वो 2 कैमरे हैं तो 2 कैमरे हैं नहीं फ्रेंड्स, उसे एक लेज़र ऑटो फोकस या क्या भी बोलता है उसे मोटोला, समझिएगा वो एक ही कैमरा 2 कैमरा वहाँ है नहीं, देखने को लगता है कि वो 2 कैमरे हैं। और फीचर्स की बात करें तो LED फ्लैश मिल जाता है, HDR मोड मिल जाता है, पेनोरामा मिल जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं 30 FPS एट 1080p। सिंगल कैमरा मिलता है आपको सेल्फी के लिए 5 MP का विथ F2.0। यार मोटोरोला को कुछ करना चाहिए, बैटरी देने से एक अच्छा बात है, बैटरी आपने दिया अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपके कंपटीटर में आपको रेडमी के नोट 5 भी मिलते हैं, और 10 और जी है, इनफिनिक्स है, अच्छे 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 फीचर्स दे रहे हैं और आप अभी तक यहीं तक हैं। और बात करते हैं यहाँ पर एक अच्छा काम यहाँ पे दिख रहा है मुझे फ्रेंड्स, 3.5 mm का जैक है, जो कि अच्छी बात है। और ब्लूटूथ आप देख सकते हैं, एकदम लेटेस्ट वर्जन नहीं है फ्रेंड्स,
4.2 मिलता है। और बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर USB 2.0 ही मिलता है या टाइप सी। दो यार छोटे छोटे ब्रांड्स टाइप सी यूज़ कर रहे हैं और आप अभी तक 2.0 पे चलिएगा। और सेंसर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर कंपस सेंसर नहीं मिलता है, कंपस सेंसर को उड़ा दिया, गोली मार दिया है। आपको बाकी सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, जायरोस्कोप भी नहीं मिलता है, उड़ा दिया, उसे भी गोली मार दिया मोटरोला ने। चार्जर यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर वो दे देगा, लेकिन टर्बो चार्जर, चार्जर सही में फ्रेंड्स रियली में फास्ट होगा। और फ्रेंड्स अगर बात करूँ यहाँ पर बैटरी की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक ह्यूज मैसिव बैटरी आपको देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी है फ्रेंड्स, 5000। मतलब अगर आप एक नॉर्मल यूज़र है ना, तो दो दिन तक आपको फ़ोन चार्ज करने की, तो मुझे तो एकदम नहीं लगता है फ्रेंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है ना स्नैपड्रैगन का 425 है, तो उतनी ज़्यादा पावर ये लेगा नहीं, तो आपके फ़ोन की बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक रहेगी। मतलब दो दिन तक तो मुझे नहीं लगता आप एक नॉर्मल यूज़र है तो आपको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट इसका यही है, सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट इसका जो है बैटरी ही है फ्रेंड्स। कलर्स आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक, फ्लैश ग्रे, मिनरल ब्लू, फाइन गोल्ड, कौन कौन से कलर निकाल रहा है यार, ब्लैक लो सबसे अच्छा। और प्राइस आप देख सकते हैं 190 यूरो, माइट बी 12,000 के वेरिएंट में ये आएगा इंडियन मार्केट में। मतलब इंडियन मार्केट में आप 12,000 में या फिर 10,000 में आप निकाल रहे हैं E5 प्लस को अपने, वहीं आपके साथ कंपैरिजन में आपको देखने को मिलता है रेडमी का नोट 5 और 10G, इन्फिनिक्स का कुछ फ़ोन्स है, मतलब इतने सारे फ़ोन्स के साथ में ऑनर के भी फ़ोन्स हैं। आप निकालिएगा एक फ़ोन जिसका प्रोसेसर उतना अच्छा तो नहीं है फ्रेंड्स, बाकी आप बैटरी पे देखें तो बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है, चार्जिंग आपको इसमें मिलती है, स्क्रीन साइज अच्छा है, और कैमरा का उतना अच्छा मैं ले नहीं सकूँगा गारंटी की कैसा है, क्योंकि पिक्सल पॉइंट उसका अच्छा है नहीं उतना, और अपर्चर भी उतना कुछ खास है नहीं। तो इसे अगर मोटोरोला लॉन्च करता ना 7,000 to 8,000 के वेरिएंट में, तो पक्का मैं कहता कि ये उस प्राइस रेंज पर बेस्ट फ़ोन है। बट अगर मोटोरोला ने यहाँ पर सिर्फ 5,000 की बैटरी दे दी है और इसे कहता है 10,000 या 12,000 में वो बेचेगा, तो बहुत कम चांस है यार और बिकने के इसके। और मैं तो सजेस्ट करूँगा अगर आपको बैटरी बैकअप चाहिए, लंबे समय तक चाहिए, नॉर्मल यूजर्स चाहते हैं कि गेम हाई लेवल वाला नहीं खेले, नॉर्मल खेले, और तो फ्रेंड्स आपके लिए ये फ़ोन ज़रूर है। और अगर आप नहीं चाहते तो आप दूसरे फ़ोन्स को भी देख सकते हैं, 2-3 हज़ार आपको ज़्यादा लगेंगे फ्रेंड्स, आप दूसरे फ़ोन्स को भी देख सकते हैं, आपको बेस्ट पावरफुल फ़ोन मिल जाएगा। एजोस का M1 फ़ोन है फ्रेंड्स, 13,000 के वेरिएंट वो आता है, और इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636। और यहीं पे आप मोटोरोला का फ़ोन देखें तो आपको मिलता है मात्र 425 या 625 भी देता तो कुछ सोचता कोई लेने से पहले, मतलब सीधा ही कटौती कर दिया यहाँ मोटोरोला ने। तो फ्रेंड्स यही थे मेरे कुछ स्पेक्स जो मैं आपको बताना चाहता था मोटो E5 प्लस के बारे में। तो बस यही फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, और आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब तो फ्रेंड कर दीजिएगा, और नए हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।